नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष। दोस्तों, हमारी रेलवे देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए काफी तेज गति से काम कर रही है। इसके लिए देश के अलग अलग ट्रेनों में नए नए LHB डब्बे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी दरभंगा की कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें LHB डब्बे मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें LHB डब्बे नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए जो पुणे ज्ञानगंगा एक्सप्रेस चलती है, उसमें अभी तक ICF डब्बे लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो जयनगर गरीब रथ है, वो भी ICF डब्बों के साथ ही चलती है। इसके साथ साथ शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, कमला गंगा इंटरसिटी इत्यादि जो ट्रेन है वो ICF रेक्स के साथ चलती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे रेलवे ने यह फैसला लिया है कि हमारी रेलवे जयनगर से चलने वाली शहीद एक्सप्रेस और सरयू यमुना एक्सप्रेस को नए LHB डब्बे देगी। दोस्तों, 23 अक्टूबर से इन दोनों ही ट्रेनों में नए LHB डब्बे लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नए LHB डब्बों लगने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इन दोनों ही ट्रेनों में नए LHB डब्बे लगने के बाद स्लीपर और जनरल के डब्बे रह जाएंगे मात्र दो दो, और जो थर्ड AC इकोनॉमी क्लास के डब्बे हैं वो 10 नए लगाए जाएंगे। साथ ही साथ एक नया फर्स्ट AC का डब्बा भी लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों की जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। दोस्तों, इस ट्रेन पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही, ब्रेक के साथ जय हिंद जय भारत।